शो ये रिश्ता का कहलाता है में अभिनव के किरदार से सबका दिल जीते वाला जय सोनी के शो से बाहर भइले से फैंस काफी दुखी बाणन। ऐसन बहुत कम होला कि जब एक साइड एक्टर के गइले से फैंस इतना निराश होखे। अब जय सोनी खुद शो से बाहर भइले पर अपन रिएक्शन ले ले माना। वो बताओ ना कि जब उनके शो छोड़ने का खबर आईल तो लोग उनके मैसेज कैलन और उनसे शो नहीं छोड़े खातिर रिक्वेस्ट कैना। जय सोनी अब यो बताओ ना कि वो आगे कौन से शो में काम कर चाहता ना। जय ई टाइम से बात करते हुए कहना, जब हमके शो का ऑफर मिलल तो हम ज्यादा सोचनी नहीं, बस एक बार कर लेनी, काहे से कि शो बहुत पहले से चलत आवत रहल बा। लेकिन जब हम कैरेक्टर के समझने लगनी तो हमके समझ में आयल कि ये आसान टास्क नहीं थे। हमके समय लागल अपन किरदार के स्थापित कैले में, काहे से बाकी किरदार तो पहले से अच्छे से स्थापित रहना। हम शो में एगो सिंपल लड़का का किरदार निभावत रहनी। हमके अच्छा लागल कि हमार काम सबके पसंद आयल। बीते दिन जब शो से बाहर गेले का खबर सामने आयल तो हमके कई गो मैसेज आयल और सब लोग कहल कि हम हैरान और दुखी बानी। जय आगे कहलन, हमके लागत है कि अब समय आ गई बा आगे बढ़ने का। दर्शक के अभी भी लागत आ कि हमारे किरदार में अभिन स्कोप बाटे और आगे और एक्सप्लोर हो सकता, तो ये बहुत बढ़न बात बाटे। जब हम शूट करत रहनी तो ओवर टाइम हो जात रहे, लेकिन हम जात नहीं रहनी। सबसे अच्छा बात ये बाटे कि हमार किरदार निगेटिव नहीं भइल और हम निगेटिव किरदार नहीं निभावनी। जैसे जब ये पूछल गल कि रिश्ता का कहलाता है कि बात फ्यूचर में अब कौन सा प्रोजेक्ट करी हाँ, तो जय कहना, आगे हम ऐसन कोनो प्रोजेक्ट नहीं करल चाहब जौन खाली बस काम करे खाती होके। हम ऐसन काम करल चाहब कि लोग हमेशा याद रखे। रिपोर्ट्स के अगर मानल जा, शो के अपकमिंग एपिसोड में दिखावल जाए कि अभिनव की मौत हो गई बा, जेकरे बाद अक्षरा के जिंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट आई और हो सकेला कि एकरे बाद दर्शक अभिमन्यु और अक्षरा के साथ में देखें। आपका ये स्टोरी पर का कहे बा हमके कमेंट कर जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखते रहें ABP भोजपुरिया।